today i shall discuss about the scope of human geography this is a crucial section regarding understanding study of human geography so as a serious scholar of geography i would request all the students who are or who are trying to understand geography especially human geography must understand the scope of human geography which is very important and based on this researches and other activities are done so to begin with human geography as you all know is a social science

बहुत सारे उपशाखाएं भी इमर्ज हुई हैं इट फोकस ऑन द स्पेशल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन मैन एंड एम्बॉयमेंट रिलेशनशिप ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन सोसाइटीज एक्सेट्रा विशेष तौर पर स्कोप के अंतर्गत विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम मानव जनसंख्या मनुष्य पर्यावरण संबंध मानव क्रियाकलाप मानव समाज आदि का अध्ययन करते हैं दस इट अटेम टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेस एग्जिस्टेंस इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह कुछ संबंधों के बारे में व्याख्या करने का प्रयास करता है और उन संबंधों में जो मुख्य तत्व है एलिमेंट्स है वो ह्यूमन लाइफ है धरातल या स्पेस जहाँ पर वो पाए जाते हैं और कारण ऐसे संबंधों के तो मुख्य रूप से इसको अगर हम स्टडी करें तो हम स्पेशल स्टडी करते हैं इस चीज़ की करते हैं ह्यूमन लाइफ की करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की करते हैं और जिस स्पेस पर वो हैं उस स्पेस के बारे में और उसके पीछे कारण क्या है इनके बारे में हम जानकारी स्कोप के अंतर्गत करते हैं सेंट्रल थीम्स ऑफ स्टडी जो है मुख्य रूप से स्कोप के अंतर्गत वो क्या है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर संबंध दूसरा हम सेंट्रल थीम के तौर पर अध्ययन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज यानी मानव समूह और समाजों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तीसरा क्या है कि मैन मैन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मनुष्य एक जीवंत प्राणी के रूप में किस प्रकार से है उसका अध्ययन करते हैं चौथा है रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफिकल एन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज यानी हम भौगोलिक पर्यावरण मानव क्रियाकलाप और क्वालिटी इन तीनों का संबंधों के बारे में भी अध्ययन करते हैं पांचवा हम सेंट्रल थीम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मैंस एडजस्टमेंट टू नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य किस तरीके से अपना एडजस्टमेंट करके चलता है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रिलेशन बिटवीन मैन वेज ऑफ लाइफ एंड द प्लेस इन विच दे लिव नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के बीच में संबंध क्या है किस प्रकार से मनुष्य अपना जीते हैं स्थानों पर किस प्रकार से रहते हैं पर्यावरण के साथ कैसे एडजस्ट करके रहते हैं इन सब के बारे में भी हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और लास्ट में एडॉप्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स टू देयर नेचुरल एनवाइ प्राकृतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार से मनुष्य एडॉप्ट करके चलता है एडजस्ट करके चलता है तालमेल बना के चलता है यह भी एक सेंट्रल थीम के अंतर्गत आती है दस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी इज मैन इस प्रकार से आप देखें तो अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य है Hence it is anthropogenic in nature. इस प्रकार से अध्ययन जो है मानव केंद्रित अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अवलोकन करें तो ये पता चलता है कि इन अर्ली फेजेस द स्कोप ऑफ स्टडी होवर्ड अराउंड फिजिकल एनवायरनमेंट प्राचीन काल में या चिर सम्मत काल में विषय के विषय क्षेत्र जो है वो भौतिक पर्यावरण के इर्द गिर्द ही समाहित था ह्यूमन एलिमेंट एंटर्ड ओकेजनली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन मानवीय तत्व जो है वो यदा कदा एक ऑब्जर्वेशन के रूप में आते थे

पुस्तक अरकुंडे में मानव केंद्रित अध्ययनों पर विशेष बल दिया जर्मन जोग्राफर रेड इन हिज बुक एंथ्रोपो जोग्रफी प्रेजेंटेड अ ब्रॉड विजन ऑफ मैन एंड हिज वर्क एंड अ डीप सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट जर्मन भूगोल बेता रैडजल ने अपनी पुस्तक में मानव के क्रियाकलाप पर एक विस्तार से बताने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने जो जटिल संबंध है उसको क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया और वो जटिल संबंध जो मनुष्य और पर्यावरण यानी भौतिक पर्यावरण के बीच में है उसको समझाने का प्रयास किया दूसरी तरफ फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डी लाब्लाश फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूटिलिटी यूनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ माइल्यू एंड देयर सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मैनस वर्क इधर विडाल डी लाब्लाश जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने पार्थिव एकता की बात की पार्थिव एकता का सिद्धांत हमारे सामने रखा साथ ही जो मनुष्य की जो क्रियाकलाप है और उसके पीछे एनवायरमेंटल कारक जो है उन दोनों के बीच में संबंध क्या है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताने का प्रयास किया इधर अमेरिकन भूगोल विकता ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विस्तार से भौतिक तत्वों और फॉर्म्स ऑफ लाइफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस के बारे में मानव भूगोल में अध्ययन करने का प्रयास किया दस द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बिकेम ब्रॉडर ओवर टाइम समय के साथ आप देखिए तो मानव भूगोल के विषय विस्तारित होता रहा चेंजेस इन द सब्जेक्ट एंड मॉडिफाइड इट ये जो परिवर्तन आए ये भौगोलिक परिपेक्ष में आए परिवर्तन जिससे विषय में और भी एक एनरिचमेंट uh, आई और मॉडिफिकेशन भी हुए एक चित्र के माध्यम से जो चीजें स्कोप के अंदर पढ़नी चाहिए वो आपको इस चित्र में देखने को मिलेगा विभिन्न भूगोल वेताओं के विचार विषय क्षेत्र में क्या है उसको थोड़ा सा हम अवलोकन करते हैं चलते हैं समझते हैं जैसे सर्वप्रथम जीन ग्रून्स अपनी पुस्तक ला ज्योग्राफी ह्यूमेन में उन्होंने पहले तरीके से जो आधार था एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर उन्होंने विभिन्न तरीके से विषय क्षेत्र को बांटा पहला है ज्योग्राफी ऑफ फर्स्ट वाइटल नेसेसिटी दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ अर्थ एक्सप्लॉयटेशन तीसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स चौथा है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स वाइटल नेसेसिटी के अंतर्गत जो आपकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कि कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान उसको लिया गया अर्थ एक्सप्लॉयटेशन में हम लेते हैं एनिमल रियरिंग एग्रीकल्चर माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन सामाजिक और आर्थिक जो हमारे जरूरतें हैं वो इंटरडिपेंडेंस को लिया कोऑपरेशन को लिया डिविजन ऑफ लेबर लिया फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉम्पोजिशन कंजम्पशन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि लिया पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल नीड में पॉलिटिक्स है वॉर्स है और गवर्नमेंट के बारे में बताया दूसरा उन्होंने आधार से बताया बेसिस ऑफ एसेंशियल्स ऑफ जोग्राफिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी के एसेंशियल फैक्ट्स क्या है उसके आधार पर विषय क्षेत्र को बांटने का प्रयास किया पहला है फैक्ट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ द सॉइल जिसमें हाउसेस सेटलमेंट्स और रोड्स के बारे में बताया और उससे कैटेगरी में रखा दूसरा है फैक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जोग्राफी जिसमें कल्टिवेशन है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है तीसरा जो है फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन शोषण के बारे में बताया जैसे प्लांट एंड एनिमल डिवास्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स दस ब्रून्स इंक्लूडेड फाइव मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कोप विषय क्षेत्र को देखें तो ब्रून्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को पांच मुख्य कैटेगरीज में बांटा पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दूसरा है इकोनॉमिक जोग्रफी तीसरा है ज्योग्रफी ऑफ पोलिटिकल ग्रुपिंग चौथा है सोशल ज्योग्राफी और पांचवा आपका है पांचवा रीजनल ज्योग्राफी अब हम चलते हैं आगे फ्रेंच एंड त्रवार उन्होंने क्या बताया उन्होंने पूरे विषय को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को तीन वर्गों में बांटा फिजिकल एलिमेंट्स पॉपुलेशन और कल्चरल एलिमेंट्स फिजिकल एलिमेंट्स में संरचना जलवायु मिट्टी खनिज इत्यादि इत्यादि को रखा जनसंख्या में ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी माइग्रेशन आदि को रखा और कल्चरल एलिमेंट्स में जो है अधिवास है कृषि है विनिर्माण है उद्योग है व्यापार है वाणिज्य है यातायात है इन सब को रखा और इन सब को पढ़ने की आवश्यकता है मानव भूगोल में और मानव भूगोल का यही विषय क्षेत्र है आगे एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी पूरे विषय को उनके हिसाब से दो भागों में बांटा विषय क्षेत्र को भौतिक कंडीशन और ह्यूमन कंडीशन और उसके आगे उन्होंने मटेरियल नीड्स कैटेगरी बनाई फिर फंडामेंटल ऑक्यूपेशंस एफिशिएंसी और हायर नीड्स इन चार वर्गों में रख के विषय क्षेत्र को बांटा मटीरियल नीड्स जो है उसमें फूड एंड ड्रिंक है क्लोदिंग शेल्टर जो हमारी आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान यातायात इत्यादि फंडामेंटल ऑक्यूपेशन में जो है हंटिंग है फिशिंग है हर्डिंग है फार्मिंग है लंबरिंग है माइनिंग है मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्राइमरी ऑक्युपेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको फंडामेंटल ऑक्युपेशन में रखा एफिशिएंसी में कल्चरल स्टिमुलस और रिक्रिएशन रखा और हायर नीड्स में गवर्नमेंट है एजुकेशन है साइंस आर्ट लिटरेचर रखा और इन सब पर विशेष बल देते हुए कहा कि यही हमारे विषय विशे का विषय क्षेत्र है अब हम मोटे तौर पर कुछ बेसिक थीम्स पे जाना चाहेंगे स्कोप के अंतर्गत हम कौन कौन से बेसिक थीम्स को लेके चलते हैं क्योंकि विभिन्न वेताओं ने अपने तरीके से विषय क्षेत्र को बांटने का प्रयास किया अगर सब का आप कंपैरेटिव अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज मिलेगी शब्दों का हेरा फेरी है बाकी सब चीजें लगभग एक जैसी है तो मोटे तौर पे विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम कौन कौन सी थीम्स को लेके चलना चाहिए उचित है उस उसपे हम ध्यान देते हैं सबसे पहले है लोकेशन लोकेशन यानी अवस्थिति इट इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजिशन और लोकेशन कैन बी एब्सलूट और रिलेटिव दूसरे नंबर पे थीम जो आता है वो है प्लेसेस प्लेसेस क्या है रिफर्स टू द फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ लोकेशन दु स इन द वर्ल्ड इज यूनिक इन कैरेक्टर कोई भी जगह जो है अपने आप में एक यूनिक विशेषता लिए होता है और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म के आधार पर उसको बताया जाता है हाइड्रोलॉजी के आधार पर उसको पहचाना जाता है बायोजोग्राफी के आधार पर पहचाना जाता है इत्यादि इत्यादि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस एड्स जोग्रफर्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू प्लेसेज ऑन द अर्थ स्थान की संकल्पना के आधार पर भूगोल वेदता एक स्थान और दूसरे स्थान का कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इससे बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। तीसरा जो थीम है स्कोप के अंडर जो हम पढ़ते हैं वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरक्शन अंतर क्रिया मैन हैव ऑलवेज बीन अ सीजलेस इंटरक्शन

Uh, पर आधारित है पहला क्या है निर्भरशीलता डिपेंडेंसी। दूसरा क्या है अडोप्टेशन आप किस तरीके से चीजों को अडोप्ट करते हैं अपने को उसमें फिट बैठाने के लिए और तीसरा है मॉडिफिकेशन यानी आप चेंजेस जो करते हैं डिपेंडेंसी रिफर्स द वे इन विच ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर अ लिविंग एडाप्टेशन रिफर्स

बनाते हैं और मॉडिफिकेशंस की कि हम टेक्नोलॉजी के ए, माध्यम से टेक्नोलॉजी के सहारे अपने ए, जीने ए, को और कितनी किस तरीके से कंफर्टेबल कर सकते हैं पर्यावरण को कितने किस तरीके से हम बदल सकते हैं अपने सुख सुविधा के लिए तो इसके आधार पर ही मनुष्य और पर्यावरण का इंटरक्शन डिपेंड करता है चौथा थीम जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मूवमेंट Movement is related to translocation of human beings, their goods and their ideas from one end of the planet to another. Thus it promotes unification of human civilization and promotes its growth and prosperity. Movement Yani Yataya yata, translocation, ideas ka movement ho samanoga movement ho saktahe, or iseka the ki mano jo civilization, uskay जो है बहुत सरलता से होता है जिससे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा भी मिलता है पांचवा थीम जो हम स्कोप के अंदर पढ़ते हैं दैट इज प्रदेश रीजन इट इज अ जोग्राफिकल एरिया यह एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और ये अन्य क्षेत्रों से अलग होता है इसकी विशेषताएं अलग होती हैं प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग पहचान होती है अलग अलग विशेषताएं होती है

मानव भूगोल में एक इंपॉर्टेंट थीम के रूप में और एक उपागम के रूप में भी रादर पहचाना जाता है ये कुछ हमारे है, हैं हैं चित्र जिसके माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कि स्कोप में हम क्या क्या चीजें मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं कुछ सामा सोशल साइंसेस के विषय से कैसे उपशाखाए बनी वो हमारे स्कोप में आया कितने फिजिकल साइंसेस से फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत उप शाखाएं बनी और वो भी हमारे स्कोप के अंदर आया इधर आप देखिए दूसरा इलेस्ट्रेशन जिसमें बायोटिक एनवायरनमेंट है और अबायोटिक एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट है इन तीनों को हम किस प्रकार से स्कोप के अंदर लेते हुए पढ़ते हैं तो ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ जोग्राफी है तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं स्टडी ऑफ लैंडस्केप है स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन है स्टडी ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप है यूनिफिकेफाइंग साइंस है, है फिर उसके बाद वॉट इज वेयर है डिटर्मनिज़म पॉसिबिलिज्म सारी चीज़ें इसमें समाहित है नेचर और स्कोप दोनों को एक साथ एक ही डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया जिससे चीज़ें और भी सरल होंगी अब हम आते हैं ज्योग्राफी एंड स्कोप में द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज इंटर ग्रेटिव एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल इसमें भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है, पर मानव भूगोल और भूगोल दोनों में जो कॉमन फेनोमेना है वो सेम है हेंस द रीच ऑफ हैफी इज एक्सटेंसिव ईच एंड एवरी फेनोमेना दैट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली जो भी फेनोमेना है जो स्पेस एंड टाइम में है उसको हम भौगोलिक रूप से बड़े तर, अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं ह्यूमन जियोग्राफी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ 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 फील्ड्स इफ नॉट ओनली स्टडीज प्रेजेंस ह्यूमन बट आल्सो रिलेशनशिप ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल वर्ल्ड द पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इंक्लूडिंग बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल मानव भूगोल के अंतर्गत बड़े रेंज वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं इसमें केवल ह्यूमन फिनोमेना का अध्ययन नहीं करते हैं संबंधों का अध्ययन करते हैं ह्यूमन और फिजिकल वर्ल्ड के साथ उसके पैटर्न पर हम विशेष ध्यान देते हैं वितरण ऑफ ह्यूमन प्रोसेस उस पर ध्यान देते हैं इत्यादि इत्यादि तो इसका रेंज जो है बहुत ही बड़ा है दस द स्टडी ऑफ जोग्राफी इज मोर रेलिवेंट एज इट ट्राइज टू रिलेट द फिजिकल एंड मैन मेड वर्ल्ड विथ फुल कैजुअल अंडरस्टैंडिंग हेंस मेकिंग इट मोर एप्लीकेबल टू आवर डेली लाइफ इस प्रकार से आप देखिए तो भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारे डेली लाइफ की जरूरतें हमारे डेली लाइफ की एप्लीकेशंस जो हैं वो दिखती हैं और समाधान भी मिलता है तो इसलिए इसके स्कोप में आप देखिए सब चीज समाहित है और इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉब्लम्स समस्याओं को भी अध्ययन करने का प्रयास करता है उसके कारण उसके प्रभाव साथ ही एज़ वेल एज़ हेल्थ एंड टू फाइंड सुटेबल सॉल्यूशंस और हम साथ ही सुटेबल सॉल्यूशंस भी देने का प्रयास या खोजने का प्रयास करते हैं विषय क्षेत्र के अंतर्गत तो ज्योग्राफी एंड स्कोप जो है उसको अगर एक साथ देखें तो दोनों ही बहुत जरूरी है और एंड स्को, स्कोप इसलिए एक टाइटल के रूप में मैंने बताया आपको भूगोल है भूगोल क्या है और स्कोप क्या है इन प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर है रिजल्ट इज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आज के दिन में मनुष्य पर्यावरण के जो संबंध है वो स्टेन हो गए हैं जिसके वजह से आप पर्यावरणीय जो डिस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलता है स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इज मोर रेलिवेंट इसलिए आप देखिए कि आज के दिन में मानव भूगोल का अध्ययन अति आवश्यक है क्यों बिकॉज इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर क्योंकि ये प्रयास करता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों का विश्लेषण करना एंड दस एज्यूम हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू ब्रिंग बैक द एनवायमेंटल इन हेंस कैन सेव आवर प्लैनेट और इस प्रकार से आप देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पर्यावरण के साथ तालमेल बनाने के मामले में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसी प्रकार से हम अपने को बचा सकते हैं। तो अंत में इन कंक्लूजन ज्योग्राफी इज अ होलिस्टिक एंड इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजिंग स्पेशियल स्ट्रक्चर फ्रॉम द टू द फ्यूचर द स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफीड विदेज ऑफ टाइम इस प्रकार से देखिए तो भूगोल या मानव भूगोल जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी विषय है और जो समय के साथ जो परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन होने वाला है इसको लेते हुए हम चलते हैं इसलिए मानव भूगोल का स्कोप जो है पहले से आज तक में एक्सपेंड किया है और आगे भी एक्सपेंड करेगा उसके पीछे कारण निम्न है पहला है चेंजेस इन जोग्राफिकल पर सब्जेक्ट भौगोलिक नजरिया जो है वो तकनीकी ज्ञान के साथ बदलता रहा है और इस प्रकार से सब्जेक्ट एनरिच होता रहा इसलिए रीजन भी बदलते रहे हैं और ये रीजन है जिस वजह से स्कोप हमेशा आगे चेंज होता रहेगा दूसरा रीजन है डाइवर्सिफाइड अप्रोचेस री like इशूज geography, geography, जो हम भूगोल में मानव भूगोल में विभिन्न प्रकार के उपागमों का अध्ययन करते हैं जैसे कल्याणकारी उपागम रेडिकल उग्रवादी उपागम फिर ह्यूमेनिज्मेमिज्म जो उपागम है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एड्रेस करते हैं और ये कंटेम्परी इश्यूज को एड्रेस करते हैं समाधान खोजने का प्रयास करते हैं तो इसी वजह से आप देखिए कि ये सब्जेक्ट को एनरिच करते हैं और स्कोप भी इनके वजह से बढ़ता है एक्सपैंड कर रहा है तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है क्या All these modifications have expanded the scope of human geography. These modifications have in the scope of human geography and expanded. Thus, the result, if we the result, what is the result? Thus, the expanding scope of the discipline led to the emergence of newer specializations and subfields, each focusing on different elements of human activity and organization. तो इस प्रकार से देखिए कि स्कोप एक्सपेंड कर रहा है और सब फील्ड्स भी बढ़ रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव आ रहा है तो स्कोप का एक्सपेंशन होना आ, कोई गलत बात भी नहीं है और होना ही है इनफैक्ट द कोर ज्योग्राफिकल थीम्स इंक्लूड लोकेशन प्लेस मैन एनवायमेंट इंटर रिलेशनशिप मूवमेंट एंड रीजन हैज मेड ह्यूमन जोग्राफी अ स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न मुख्य रूप से जो हमारे मेजर थीम्स हैं वो है लोकेशन प्लेस मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप मूवमेंट यानी गतिता और प्रदेश ये सारे जो थीम्स है पांच थीम्स इसने मानव भूगोल को एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न की स्टडी का विषय बताया तो इसलिए इसका स्कोप जो है ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स पर आधारित है तो इसी के साथ आज हमने बहुत ही कंसाइज वे में स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफी को बताने का प्रयास किया है और आप को समझाने का प्रयास किया बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सरलता से और उम्मीद करूंगा कि आप इससे आप सबको इससे लाभ मिलेगा सो वंस अगेन थैंक यू